क्लास 10 सिमिलर ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं, जिसको ब्रीफली मैंने मेंशन करके रखा है। इस गिवन फिगर में DE पैरेलल टू OQA एंड DF पैरेलल टू OR, तो हमको प्रूव करना है दिस EF लाइन इज पैरेलल टू QR। देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल PQO हम आप देख सकते हैं, यहाँ BPT अप्लाई करने के लिए हमारे पास गिवन है कंडीशन DE पैरेलल टू OQ। DE पैरेलल टू OQ है तो ये रेशियो इक्वल होंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। किस थ्योरम से होंगे? यूजिंग BPT। ट्रायंगल में ये लाइंस अगर पैरेलल है थर्ड लाइन के तो ये रेशियो इक्वल होंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, देखिए यहां पर जो पैरेलल लाइन गिवन है वो क्या है, DF पैरेलल टू OR। तो अगेन यूजिंग BPT, इस ट्रायंगल में हम ये लाइंस के पैरेलल तो BPT लगाएं तो PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सेम रीजन BPT क्यों है, बिकॉज DF पैरेलल टू OR। नाउ स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेट इन ऑन दिस टू प्रोपोर्शंस, जो प्रोपोर्शंस हैं इक्वेशन के फॉर्म में, इसको हम 1 and 2 दे दें। अब ध्यान से देखिए, इसमें PD अपॉन DO कॉमन है, दिस PD अपॉन DO इज कॉमन, तो बाकी रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो विल राइट फ्रॉम 1 and 2 PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। देखिए स्टूडेंट, ये रेशियोज इक्वल हो गए तो यहाँ आप ध्यान दीजिए बीच के इसको फिगर को छोड़कर, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, तो यहाँ इसको हम छोड़ दें तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल हो गई। यहाँ BPD यूज़ किया, लाइंस पैरेलल थी, रेशियोज इक्वल हो गए, यहाँ रेशियो इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो गई, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPD। तो यहाँ पर ये जो रेशियोज हैं इसके कारण कौन सी लाइन पैरेलल हो रही है, EF पैरेलल टू QR। By converse of BPT, ये parallel to QR हमको प्रूव करना था, ये हो गया।